Debaleena, and today I am going to teach you how to learn Odissi step by step. मुझे पता है कि आप में से बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनको ओडिसी सीखने का बहुत शौक है, पर उन जिनको टाइम नहीं मिलता कि आप कहीं पे जाके ट्यूटोरियल ले या फिर थोड़ा सा टाइम इसके लिए स्पेंड करें। तो आप मैं आपको क्या सिखाऊंगी, कैसे ओडिसी स्टेप बाय स्टेप सीखा जाता है। तो आप में क्या कीजिएगा, आप मेरे साथ अपना जो भी मैं दिखाती जाऊँगी हर वीडियो में, आप मेरे साथ वो प्रैक्टिस करते जाइएगा एंड थोड़ा बहुत तो आपको आ ही जाएगा। ओडिसी पूरा ना ही आए तो थोड़ा बहुत तो आ ही जाए। तो फर्स्ट आई विल टेल यू कि ओडिसी कहाँ से है। ओडिसी इज बेसिकली ओरिजिनेटेड फ्रॉम ओडिसा। पहले क्या होता था, पहले देव देवी की पूजा के लिए इस डांस फॉर्म को हम डांस करते थे, इस डांस फॉर्म को डिवोट किया जाता था। पर अभी क्या है, अभी ओडिसी इज वर्ल्ड वाइड मोस्ट ऑफ पॉपुलर डांस फॉर्म इन इंडिया। एंड ये क्या है, तो आपको क्या करना है, ओडिसी के लिए कुछ स्पेशल बॉडी फॉर्म्स है जो पहले आपको सीखना पड़ेगा। सो अभी मैं आपको दिखाऊंगी कि ओडिसी का एक जो स्पेशल बॉडी फॉर्म है दैट इज टॉर्शो। इसके लिए आप अपने कमर को कोई भी दुपट्टे ऐसे जैसे मैं बांधी हूँ वैसे कस के बांधिएगा। और अब क्या करना है, आपको हाथ यहाँ पे डालना है कमर पे और पैर को ऐसे रखना है जैसे पैर के बीच में कोई बैंड, पैर के बीच में कोई जगह ना बचे। अब देखिए ऐसे मैं खड़ी हूँ, टॉर्शो में क्या होता है, टॉर्शो में अपर बॉडी पार्ट मूव होता है। जैसे कि यहाँ पे हिप्स बिल्कुल मूव नहीं होगा, जो भी है हमारे यहाँ से यहाँ तक जो बॉडी पार्ट है वो मूव होगा। चलिए देखिए कैसे मैं करती हूँ ये। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16। इसमें क्या होता है, दैट इज टोटली दिस इज टोटली डिफरेंट फ्रॉम दिस। यहाँ क्या होता है, यहाँ आपका हिप पोर्शन मूव होता है, पर ओडिसी जो है ओडिसी में हिप पोर्शन का कोई काम नहीं होता, वो जो भी मूव होता है वो अपर बॉडी पार्ट का मूवमेंट होता है। अब देखिए मैं घूम के दिखाती हूँ आपको कैसे है। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16। ये जो हुआ ये है साइड वाइज टॉर्शो। अब यही टॉर्शो को हम क्या करेंगे, फ्रंट एंड बैक में करेंगे। उसमें भी आपका हिप पोर्शन जैसे कि ऐसे ही रहेगा, जो भी अपर बॉडी पार्ट है ये फ्रंट एंड बैक मूव होगा। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 14, 15, 16। और इसमें क्या करेंगे, इसको हम एक रोटेटिंग पोजीशन में लेके जाएंगे टॉर्शो को, जैसे अपर बॉडी पार्ट को मूव करेंगे। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16। ये हुआ टॉर्शो। और ये जो है फ्रंट एंड बैक का, ये है 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16। तो ये हुआ टॉर्शो। और इसके साथ हम एक और चीज आज सीखेंगे, वो है नेक मूवमेंट। नेक मूवमेंट कैसे, ये ऐसे ही पोजीशन में आपको खड़े रहना है,
ये आप अपने घर के घर पे कोई मिरर है तो मिरर के सामने खड़े होकर कर सकते हैं. 1 2 3 4 5 इसमें क्या करना है, आपका ये पोजिशन बिल्कुल स्टील रहेगा, आपका बस ये मूव होगा. 1 ये पार्ट ऐसे, फिर 2 3 4 5 6 7 8 1 2 3 4 5 6 7 8 आज के लिए इतना ही काफ़ी है. आप एक काम कीजिए, ये पूरे ये जो वीडियो है, अब मेरे नेक्स्ट वीडियो आने तक आप उसको प्रैक्टिस कीजिए. अभी मैं थोड़ी दिन बाद आ जाऊँगी अपने दूसरे वीडियो के साथ. और आपको एक चीज़, आपको मेरा वीडियो पसंद आए तो लाइक और सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा. बाय.